रुको यार रुको, गिर जाऊंगा रुको। व्यक्ति दर्शन के लिए आया, उसने दो नंबर गेट पे जूता चप्पल अपना उतारा। नहीं ये उतरे आज आ रहे बाहर बाहर जो है लोगों को जमा कर, उसको हटाओ जमा कर सकते हैं। सब रास्ते का सबके केस पेंडिंग है, पुराने किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे। अगर स्थल किसी पे है तो ठीक है, अदरवाइज क्लेम करो। किसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है टीका का लगाते रहते हैं। क्या इनका कोई स्टे है कि उनको रहने दिया जाए, या क्योंकि वो अगर हट जाते हैं तो वो एरिया आपका क्लियर। और वहाँ जूता चप्पल लगाकर का झंझट ही खत्म कर रहे हैं। आज स्मूथली दर्शन करे बाहर निकल जाए। जूता के लिए हम यहाँ से 100 मीटर कराएंगे, लेकिन मंदिर को तो आप ठीक करो। नहीं वो हम कर, लेकिन वो समस्या ये है ना सर कि जैसे कोई दो या तीन नंबर गेट से एंट्री करता है तो एक नंबर गेट से निकलेगा, चार नंबर गेट से निकलेगा, चप्पलें उतारने की बड़ी समस्या। नहीं मेरी बात समझ, वो दोबारा सब नीचे से पानी जा जा करके वो पूरा खुला हो गया। पुराना मंदिर है, सब पत्थर पर नींव रखी हुई है, तो ये मान लीजिए करीबन 100 बुक सही करना। दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि वो जो बैरिकेडिंग बनी उसकी व्यवस्था, क्योंकि स्पेस कम था तो अव्यवस्था फैल गई, भीड़ भाड़ उसमें दब गई, कई बार मार भगदड़ सी मचती थी। हमारे बाहर आते हैं जो हमारा पीछे का स्पेस है हम उसको बढ़ा कर दें और वन वे एंट्री रखें कि आप आओगे उधर से। 900 गज का स्पेस है हमारे पास, हम इसको चैनलाइज।